हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आज से क्लास में आपसे बात होगी, न्यू टॉपिक जिसमें हम आपको बात कर रहे थे कल के क्लास में। किसी टॉपिक बात कर रहे थे कल के क्लास में? हम बात कर रहे थे आपसे मॉडर्न फिजिक्स के बारे में। ठीक है, तो आज से क्लास में आपको बात होगी मॉडर्न फिजिक्स के बारे में। VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन जो आपको किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत बहुत क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो बने रहेंगे, लास्ट तक बने रहेंगे, तभी आपको टोटल समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पर हम मॉडर्न फिजिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में? मॉडर्न फिजिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, मॉडर्न फिजिक्स के बारे में। और कल के क्लास में हमने आपको कुछ क्वेश्चन पर बात किया था, जिसमें हमने आपको 55 क्वेश्चन पर बात कर लिया था। ठीक है, कितने क्वेश्चन? टोटल 55 क्वेश्चन पर बात कर लिया था कल के क्लास में। और आज के क्लास में हम आपको नेक्स्ट बात करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। तो बने रहेंगे, लास्ट तक बने रहेंगे। और लिंक को आप लोग अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर करिए, ताकि और लोग भी स्टूडेंट ज्वाइन हो जाए। तो फटाफट आप लोग और बच्चों में लिंक को शेयर कर दीजिए, फटाफट लिंक को शेयर कर दीजिए। तब तक हम वेट कर रहे हैं, फटाफट लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स आ जाए। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे मॉडर्न फिजिक्स के बारे में, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। और चूंकि आप अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या 11th 12th पास हैं, हाँ, तो आप इन क्वेश्चन को जवाब दीजिए, बताएं कि आपका कितना मार्क्स आ सकता है, आप कितना क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास को, जो भी बच्चे हैं ज्वाइन हो जाए फटाफट। चलिए फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। चलो तो हम प्रीवियस क्लास में आपको 55 क्वेश्चन में बात किए, ठीक है, 55 क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। आज की क्लास में हम 55 से नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, 55 से नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, 55 से नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 50 से 55 क्वेश्चन मत के बात कर लेते हैं। अब हम आपको 56 क्वेश्चन से बात करेंगे, ठीक है। चलिए 56 क्वेश्चन को देखिए, यहां पर लिख रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु के सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉन के निष्कर्षण के रूप में व्याख्यित किया जाता है, के रूप में व्याख्यित किया जाता है। वह गर्म हो जाता है, उसे सशक्त विद्युत क्षेत्र में रखा दिया जाता है, उपयुक्त वेग के इलेक्ट्रॉन उसे टकराते हैं, उपयुक्त तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उस पर गिरते हैं। 56 का क्वेश्चन का जवाब फटाफट दीजिए। 56 इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 56 का सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। थोड़ा सा इसका हम कलर चेंज कर दें और वेट बदल दें थोड़ा सा, ठीक है। चलिए तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा? 56 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तरंगदैर्ध्य का प्रकाश उस पर आकर गिरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 57 है कि पी तथा एन प्रकार के दो अर्धचालक को जब संपर्क में लाए जाते हैं,
संपर्क में लाए जाते हैं तो क्या होता है? पी तथा एन प्रकार के दो अर्चाल जब संपर्क में लाए जाते हैं है कि पी तथा एन प्रकार के दो अर्चाल जब संपर्क में लाए जाते हैं तो जो पीएन संधि बंधन बनाते हैं वह किस प्रकार रूप में कार्य करती है? प्रवर्धक रूप में, चालक के रूप में, दोलित्र के रूप में, दिष्टकारी के रूप में, किस रूप में वह काम करती है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। 57। ये चूंकि ये क्वेश्चन आपको 55 से पढ़ा रहे हैं और 1 से लेकर 55 तक नहीं देखे हैं, तो हम आपको ये जो वीडियो अपलोड होगी, ठीक है, इस वीडियो जो अब अपलोड होगी यूट्यूब पे, हमारे चैनल पे ओमेगा विथ मेरे का यूट्यूब चैनल पे, तो वहां पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं 1 से 55 के क्वेश्चन। तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट दीजिए। 57 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दिष्टकारी होती है। पी तथा एन प्रकार के दो अर्चालक जब संपर्क में आ जाते हैं तो वे जो पीएन संधि बनाते हैं वह किस रूप में कार्य करते हैं? तो दिष्ट कार्य रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन 58 कह रहा है कि सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर उपयुक्त अशुद्धियां किस लिए मिलाई जाती है? कह रहा है कि सेमीकंडक्टर होता है अर्धचालक, कि अर्धचालक में जब इसके प्रयोग के आधार पर उपयुक्त अशुद्धियां किस लिए मिलाई जाती है? उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए, उसकी विद्युत प्रतिरोधकता बढ़ाने के लिए, उसके कार्य विधि बढ़ाने के लिए, उसे उच्चतर वोल्टता को सहयोग देने के लिए। यानी कि सेमीकंडक्टर में जो डोपिंग होती है, आप 12 क्लास में पढ़े होंगे, सेमीकंडक्टर में जो डोपिंग होती है वह किस लिए मिलाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 58। इसका सही जवाब है, आप पढ़ेंगे कि उसकी चालकता को बढ़ाने के लिए, क्या करने के लिए? उसकी चालकता को बढ़ाने के लिए, उसकी चालकता को बढ़ाने के लिए, इसकी विद्युत चालकता को बढ़ाने के लिए आपको सेमीकंडक्टर में डोपिंग कराई जाती है, जिसमें कहते हैं अशुद्धियां मिला जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 59। एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं क्यों? एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं क्यों? क्योंकि सस्ते होते हैं, इनमें ऊर्जा क्षय कम होता है, इनमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अधिक होता है, इनमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कम होता है। क्या हो जाएगा इसका जवाब फटाफट? 59। तो 59 का सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, इनमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अधिक होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अधिक होता है, में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपको 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तांबा की, जर्मेनियम की, ग्रेफाइट की, चांदी की। निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर के प्रयोग में होती है? तांबा में, जर्मेनियम में, ग्रेफाइट में, चांदी में। ये देखिए बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 60 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, जर्मेनियम। कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर पर होती है? जर्मेनियम। जर्मेनियम का सिंबल क्या होता है? जीई होता है, जीई होता है, जर्मेनियम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 कि टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है?
टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? अवरक्त किरणें, प्रबैंगनी किरणें, दृश्य किरणें, उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 61। 61 का सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, इंफ्रारेड किरणें। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण को किस प्रकार के चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? तो अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको 62। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, क्यों? दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, क्यों? क्योंकि संकेत दुर्बल होते हैं, एंटीना दुर्बल होता है, वायु संकेतों को शोषित कर लेते हैं, पृथ्वी की सतह वक्रकार होती है। 62 का सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी का आकार वक्रकार है, पृथ्वी की सतह वक्रकार है। यूपी पीसीएस में पूछा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपको 63। ध्यान देंगे कि जब जर्मेनियम जाली से आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? बाह्य सेमीकंडक्टर, विद्युत रोधक, सुपर कंडक्टर, अंतर सेमीकंडक्टर। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? 63, वह बन जाता है आपको बाह्य कंडक्टर। क्या बन जाता है? बाह्य कंडक्टर, बाह्य सेमी कंडक्टर, कंडक्टर नहीं, बाह्य सेमी कंडक्टर। एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बाह्य सेमी कंडक्टर। क्वेश्चन 64, रडार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रडार आपने पढ़ा होगा आपदा प्रबंधक में, मैनेजमेंट में। रडार का प्रयोग किसके लिए किया है? निमग्न पनडुब्बियों को पता लगाना, रेडियो रिसीवर से सिग्नल प्राप्त करना, दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना, ऊर्जा का पता लगाना, है ना, तुल्यांकी उपग्रह का पता लगाना। क्या हो रहा है इसका आंसर? 64। तो 64 का सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और उन ऊर्जाओं का पता लगाना। दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और ऊर्जा का पता लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 65। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? ऑप्शन ए में होलोग्राफी, बी में है फोटोग्राफी, सी में है फोटोक्रोमेटिक, डी में है रेडियोग्राफी। किसके द्वारा? त्रिविमीय, थ्री डायमेंशन, 65। इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, होलोग्राफी। ऑप्शन नंबर ए होलोग्राफी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होलोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन चलो
ऐसे छोड़ दे रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम। हेलो तो क्वेश्चन हम किसमें बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 हो गया, होलोग्राफी 66, 66 में ध्यान देंगे क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा वेट बना दे, फिर कम हो गया। चलो कि लेजर बीम का उपयोग होता है, लेजर बीम का उपयोग कहाँ होता है, कैंसर चिकित्सक में, हृदय की चिकित्सा में, गुर्दे की चिकित्सा में, आंख की चिकित्सा में। लेजर बीम का उपयोग होता है किसमें होता है, 66 का सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, आंख की चिकित्सा में। आंख की चिकित्सा में लेजर बीम का प्रयोग होता है, 66 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 67, लेजर अथवा किसी अन्य संसक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाशी किरणों के व्यतिकरण से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने से संबंध समवर्ती क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, 67। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, होलोग्राफी। क्या कहलाता है, होलोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, तात्कालिक प्रक्रिया है, विलंबित प्रक्रिया है, प्रोटॉन का उत्सर्जन है, न्यूट्रॉन का उत्सर्जन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, 68। 68 का सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, तात्कालिक प्रक्रिया। प्रकाश विद्युत प्रभाव तात्कालिक प्रक्रिया, एसएससी 2013 में पूछा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। जो लोग ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं वो लोग अपने अपने फ्रेंड्स को लिंक शेयर करके उनका, चूंकि जो आईडी लिखा है, रूम आईडी मेरा लिखा हुआ है, वही आईडी से उनको बोलिए लॉगिन करने के लिए और डेली 10 बजे क्लास करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट 69, बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है, एक्सरे के द्वारा, प्लूरोस्कोपी द्वारा, लेजर द्वारा, अल्ट्रासाउंड द्वारा, किसके द्वारा, 69। इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, लेजर द्वारा। लेजर द्वारा सेवेंटी में है कि लेजर का पूर्ण फॉर्म क्या होता है, लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा क्वेश्चन है, लेजर का पूर्ण रूप क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 70। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। 70 का ऑप्शन हो जाएगा बी, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, एक्स किरणों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, एसएससी में पूछा क्वेश्चन, देखिए एसएससी के एग्जाम आया हुआ है, एक्स किरणों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, जमीन के नीचे सोना का पता लगाने के लिए, हृदय रोग का पता लगाने के लिए, बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए, धातु को काटने और वेल्डिंग करने के लिए। 71 सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए एक्सरे का प्रयोग किया जाता है, बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी पता लगाने के लिए किया जाता है, 71 का सी। सेवेंटी टू,
बीज उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? ये बीपीएससी में पूछा क्वेश्चन है। बीज उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम का, लोहा का, तांबा का, एल्युमिनियम का। बीज उत्पन्न करने के लिए 72। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम। यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 73। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? नाभिक के संलयन के फलस्वरूप, नाभिक के विखंडन से फलस्वरूप, रासायनिक क्रिया से, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से। क्वेश्चन नंबर 73। इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। चूंकि संयोजन कहे या नाभिकीय संलयन कहे, दोनों एक ही बात होता है, नाभिकीय संयोजन कहे या नाभिकीय संलयन कहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अतिचालक क्या है? हाल में ही खोजे गए उच्च तापीय अतिचालक क्या है? 74। इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, सेरेमिक ऑक्साइड। यस राइट। सेरेमिक ऑक्साइड। 74 का आंसर हो जाएगा सी, सेरेमिक। और जो ऑक्साइड होता है वो उच्च ताप वाला सुपर कंडक्टर होता है। 75। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में से किसकी बनी होती है? बेरिलियम की, कार्बन सिलिकन की, जिरकोनियम की। 75। क्वेश्चन नंबर 75। इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन की। सिलिकॉन की। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 76। ऑटो हान ने अणु बम की खोज किस सिद्धांत के आधार पर की थी? यूरेनियम विखंडन पर, नाभिकीय विखंडन पर, अल्फा विकिरण पर, गामा विकिरण पर। ऑटो हान ने अणु बम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की थी? किस सिद्धांत के आधार पर की थी? यूरेनियम विखंडन पर, नाभिकीय विखंडन पर, अल्फा विकिरण पर, गामा विकिरण पर। 76। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम विखंडन पर। यूरेनियम विखंडन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। लेजर एक युक्ति है जिनके द्वारा उत्पन्न किया जाता है स्वतः विकिरण, विक्षेपित विकिरण, प्रकीर्ण विकिरण, उद्दीप्ति विकिरण। 77। 77। तो 77 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, उद्दीप्ति विकिरण। उद्दीप्ति विकिरण। ये आपकी जो क्लास है टीचमेंट ऐप पर चलाई जा रही है। टीचमेंट आपको अभी फ्री रजिस्ट्रेशन हो रहा है, एक मंथ के बाद आपको इस पर चार्ज लगने लगेगा। इसलिए अगर आप टीचमेंट ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया गया है और रूम आईडी दे दिया गया है, ठीक है? दिए गए लिंक के यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस लिंक से आप इस ऐप को डाउनलोड कर ले। ऐप को डाउनलोड करने पर आपको रूम आईडी मांगेगा, रूम आईडी भी आपको नीचे दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको रूम आईडी लिखा होगा, उस रूम आईडी को जब डालेंगे तो आप ज्वाइन हो जाएंगे, मेरे पास मैसेज आएगा और कंफर्म करेंगे तो आप ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है? तो अभी तक फ्री है, आप लोग इसको ज्वाइन जल्दी से फटाफट के लिए, नहीं तो आपको इस पर चार्ज भी देना पड़ेगा। और अपने और भी फ्रेंड से आप लोग जल्दी से लिंक, जो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिए गए उसको शेयर कीजिए दोस्तों में, फ्रेंड्स में, ताकि वो भी इसका फायदा ले, नहीं तो बाद में आपको फी देनी पड़ेगी। क्वेश्चन 78। 77 हुआ उद्दीप्ति विकिरण, इसका आंसर है उद्दीप्ति विकिरण।
78 में कह रहा है कि निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है रॉकेट में, परमाणु भट्टी में, तुषार युक्त प्रक्षेपणों में, अतिचालकता विषय अनुसंधान में। 78 तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। रॉकेट में क्रायोजेनिक इंजन का जो प्रयोग होता है वह रॉकेट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या दिखाया जाता है? श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं, श्रव्य तुरंत तुरंत सुना देता है लेकिन दृश्य बाद में, क्यों? क्या हो जाएगा इसका जवाब फटाफट। 79 79 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। बहुत अच्छा। क्वेश्चन आपको 79 हो गया, 78 क्यों चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 80 में देखेंगे, ध्यान देंगे। एटी में दिया है कि निम्न कणों में से एक जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है। माइक्रोवेव फोटोन, न्यूट्रिनो, तरल क्रिस्टल, प्रकाश उत्सर्जित करने वाला डायोड, किस पर निर्भर करता है? क्वेश्चन नंबर 80। 80 का सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोवेव फोटोन। माइक्रोवेव फोटोन, माइक्रोवेव फोटोन ओब नहीं, वेव होता है, वेव। 81 सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है, सितारों में ऊर्जा के स्रोत का कारण है, हाइड्रोजन का हीलियम परिवर्तन, हीलियम का हाइड्रोजन परिवर्तन, रेडियोधर्मी पदार्थों का क्षय, ऑक्सीजन की अधिकता जो जलने में सहायक है तथा ऊर्जा उत्पन्न करती है। क्वेश्चन नंबर 81। तो 81 का सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स किरणों की जो भेदन क्षमता होती है किसके द्वारा बढ़ाई जाती है? एक्स किरणों की भेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जाती है? तंतु में धारा बढ़ाकर, कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर घटाकर, तंतु में धारा घटाकर, कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर। ये एनडीए में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2012 में। 82 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, पहले तापयानिक बाल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमसन एडिसन ने, रिचर्ड डन ने, जे एल फ्लेमिंग ने, यस
तो 82 का सही जवाब क्या है? 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर। 83 कहते हैं पहले ताप यानी कि बाल्ब का आविष्कार किसने किया था? 83 का सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, जे जे फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगे उत्सर्जित करते हैं, एक ही आवृत्ति के, एक ही आयाम की, एक ही कला के फेज के उपयुक्त सभी। SSC 2007 में पूछा क्वेश्चन है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 80 को ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीच, जो परमाणु का जो तरंगे निश्चित होती है वह सबके आयाम में भी होता है, कला में भी होता है, फेज में भी होता है। SSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, निम्नलिखित कण एक ही गति ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, इनमें से सबसे अधिक संवेग किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, एक्स कण का? 85, तो 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको ए, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सबसे अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 होते हैं। तो 86 का सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोध करते हैं, जो विद्युत करंट के प्रवाह को बहुत कम रोकते हैं। उस समय 87 में है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? एक्स किरणें, प्रकाश, प्रारसभिक तरंगें, उसमें भी किरण। 87, 87 का सही जवाब तरंगें। तो 87 का सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, प्रारसभिक किरणें। परासव्य किरणें, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो परासव्य किरण है। क्वेश्चन आपको 88, सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? असीमित होती है, कम होती है, शून्य होती है, अधिक होती है? 88, 88 का सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, असीमित। ये भी SSC 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 89 कि प्रकाश वोल्टीय होता है, सौर सेल, थर्मल सेल, सर्फल सेल, मोलर सेल? 89 इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, असीमित, असिमेट्रिक। ठीक है, तो ये रहा आपको आज की क्लास, और कल की क्लास में हम दूसरा टॉपिक लेके आएंगे। तो अपने दोस्त में, फ्रेंड्स में, रूम में मेरा आईडी, रूम नंबर आईडी दे दीजिए, उस आईडी से सभी को लॉगिन हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, ताकि और भी बच्चे आए, ज्वाइन हो जाए।